और अब बात अच्छी खबर की। हमारे देश और समाज में तमाकू कुप्रथाएं हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने से लोग डरते हैं। लेकिन एक पढ़ी लिखी नई नवेली दुल्हन ने समाज की परवाह किए बगैर कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। मामला मड़ियादो गांव का है। तंतुवाय यानी कि कोई समाज में दुल्हन के घर आने के दो दिन बाद बकरे की बलि देने की प्रथा है। मान्यता है कि जो ऐसा नहीं करता है उस परिवार पर देवता कोपित हो जाते हैं। जब ये बात दुल्हन को पता चली तो उसने इसका विरोध किया। दुल्हन ने साफ कह दिया कि अगर ये कुप्रथा निभाई गई तो वो दूल्हे को तलाक दे देगी। दुल्हन श्रद्धा के फैसले पर घरवाले नाराज हुए, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और आखिरकार उसके फैसले के आगे सबको झुकना पड़ा। बलि की जगह नारियल तोड़कर इस रस्म को निभाया गया। अब हर जगह इस पढ़ी लिखी समझदार दुल्हन की तारीफ हो रही है। पति भी पत्नी की इस पहल से काफी खुश है। लोगों के द्वारा यह गलत प्रथा थी कि बकरा आदि की बलि चढ़ाते थे, ब्याह शादी कार्य के बाद कुछ मनाते थे, तो उस कुप्रथा को दूर करने के लिए हमारे बच्चों ने, लड़का ने और बहू ने, दोनों ने उस पर जो विरोध जताया है उसके हम समर्थन में हैं और उनके इस विरोध जताने से हम खुश हैं। आइंदा इस प्रकार की जो बलि वाली प्रथा या अन्य जीवों को परेशान करने की है या सताने की, वह बंद की जाती है। और इसी के साथ आज की